समान शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मजदूर हो, सबको, जो कि नहीं मिल पाता है, जिसके कारण पिछड़ापन है। इस पर खास करके ग्रामीण क्षेत्र में ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी भी आप देखेंगे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते रहे हैं, भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों को समान रूप से उसको लेवल में कैसे लाएंगे? लेवल में जब तक नहीं ला सकते हैं, जब तक कि उसको हम बढ़िया एजुकेशन नहीं देंगे। जब एजुकेशन अच्छा देंगे तो कंपटीशन में खुद ही क्वालिफाई कर लेगा वो। खेल में अगर प्रशिक्षण देंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे कमज़ोर हैं, है ना? वो ध्यान नहीं दिया जाता है इनिशियल पॉइंट से। अच्छे स्कूल में हम लोग पढ़ा नहीं पाते हैं, खेल प्रशिक्षण में हम लोग एंट्री नहीं मिल पाता है। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, इस समय जो है ये परिणामी वरीयता विधेयक 2022 विधानसभा में 24 तारीख को 24 मार्च को पारित किया गया है। इसके संबंध में अनेक प्रकार की भ्रांति समाज में फैली हुई है, उसको उसके संवैधानिक पक्ष और लीगल पक्ष को रखने के लिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, ताकि आरक्षण के मामले में संविधान का अभी क्या स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और इसका क्या फायदा होगा, इसके बारे में हमें बताने का के लिए आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। आरक्षण के जो संविधान के द्वारा आरक्षण दिया गया, उसमें एक बड़ा मोड़ आया 16/11/1992 को, जब इंदिरा सहने ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों को प्रोन्नति में दी जा रही आरक्षण को असंवैधानिक करार किया। इसके उपरांत इस समाज के पिछड़ेपन को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा 77वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया, और जिससे इसको अनुसूची 9 में लेकर के प्रोन्नति में आरक्षण को संवैधानिक बनाया गया। पुनः वीरपाल सिंह चौहान के मामले में पारित न्याय निर्णय के कारण परिणामी वरीयता से अनुसूचित जाति जनजाति के सेवकों को वंचित होना पड़ा। परिणामी वरीयता क्या है? परिणामी वरीयता का अर्थ है कि जब आपका प्रोन्नति होता है, प्रमोशन होता है, तो जिस कैडर में आप जाते हैं तो डेट ऑफ एंट्री जो होती है वो आपके वरीयता का निर्धारण करता है। परंतु वीरपाल सिंह के मामले में उनका कहना था कि अगर आप आरक्षण से प्रोन्नत हुए हैं तो अगर आपके बाद सामान्य जाति के या अन्य कोई भी लोग प्रोन्नत होंगे तो जिस समय अपॉइंटमेंट हुआ उस समय का जो भी वरीयता है वो हासिल कर लेंगे और वही वरीयता रहेगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।